वेलकम बैक। आज फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे आजकल काफ़ी बोला जा रहा है, पैंडेमिक। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस 19 जो है वो WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि पैंडेमिक हो गया है। तो आज मैं आपके साथ क्विकली शेयर करूँगी कि पैंडेमिक से क्या मीनिंग है या पैंडेमिक का मतलब क्या है। लेकिन पैंडेमिक के मतलब को समझने के लिए आपको दो दूसरी टर्म्स जो हैं उनको पहले समझना पड़ेगा, वो है एंडेमिक, एपिडेमिक। और ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, ना सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एज अ मेडिकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन तीनों टर्म्स का पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो सबसे पैंडेमिक से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंडेमिक और एपिडेमिक। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एंडेमिक क्या है। एंडेमिक बोलते हैं कि एक वो डिजीज जो कि एक खास एरिया में खास मुद्दत तक जो है एक उस पॉपुलेशन में किसी खास एरिया में या किसी खास पॉपुलेशन में जो परमानेंटली एग्जिस्ट करे डिजीज उसको हम बोलेंगे एंडेमिक। मिसाल के तौर पे कि कॉलरा जिसे हैजा बोलते हैं वो अगर किसी खास एरिया में 3 महीनों से चल रहा है या 6 महीनों से चल रहा है या 3 साल से चल रहा है तो हम बोलेंगे कॉलरा उस एरिया में एंडेमिक जो है वो डिजीज है। किसी भी एरिया में या किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर एक कोई भी कॉलरा या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि खास मुद्दत तक उधर मौजूद रहे तो उसको हम बोलेंगे कि ये डिजीज जो है ये एंडेमिक हो चुकी है। उसके बाद आती है सेकेंड टर्म जो है एपिडेमिक। एपिडेमिक किसे बोलते हैं कि ऐसी डिजीज का आउटब्रेक जो कि एक से ज्यादा कम्युनिटी को अफेक्ट करे या फिर एक से ज्यादा कंट्री को अफेक्ट करे तो उसको हम बोलेंगे एपिडेमिक। जैसा कि मैंने क्या इधर लिखा हुआ भी है कि एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज दैट अटैक्स मैनी पीपल एट अबाउट सेम टाइम एंड मे स्प्रेड थ्रू वन और सेवरल कम्युनिटीज और कंट्रीज। यानी कि वो डिजीज कोई भी ऐसी डिजीज जिसका ब्रेकआउट हो जाए और वो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करे एक ही वक्त में, और ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लोगों को बल्कि वो एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ या कंट्रीज़ को भी अफेक्ट करे। मिसाल के तौर पे 2014 और 2016 में जो है वो इबोला वायरस जो है वो वेस्ट अफ्रीका से स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है वो ना सिर्फ पूरी कंट्री में बल्कि जो उसकी सराउंडिंग कंट्रीज थी उधर भी स्प्रेड हो गया था, उसका आउटब्रेक हो गया था। तो वो क्या बन गई, वो डिजीज़ एपिडेमिक हो गई। अब लास्ट में आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि इस वीडियो से रिलेटेड है, वो है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक बोलते हैं जब कोई एपिडेमिक जो है स्प्रेड हो जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड तो उसको हम बोलेंगे पेंडेमिक। यानी कि ऐसी डिजीज का आउटब्रेक जो कि पूरी वर्ल्ड में हो जाए उसको हम बोलेंगे पेंडेमिक। जैसे कि अब आप लोगों ने लास्ट वीक न्यूज में सुना होगा कि WHO ने कोरोना वायरस 19 को जो है वो पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो तमाम वर्ल्ड में इस वक्त फैल चुका है। जैसे कि आपको मालूम होगा हिस्ट्री के पहले वो चाइना में था और चाइना से आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम मुल्कों में फैलता गया, और जैसे कि ट्रेवलर्स जो हैं वो चाइना से माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों में गए, इसी तरह वो सिम्टम्स कैरी होते होते अब वो क्या हो गया, अब वो पेंडेमिक हो गया और कोरोना वायरस जो है अब वो पेंडेमिक बन चुका है और पूरी वर्ल्ड में इस वक्त जो है वो फैल चुका है और WHO ने इसी वजह से उसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया है। तो पेंडेमिक से आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए कि जब कोई एपिडेमिक डिजीज जो है वो स्प्रेड हो जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड तो उसको हम बोलेंगे पेंडेमिक। वैसे तो इस लेक्चर में जो है वो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। लेकिन जब आप इन तीनों टर्म्स को पढ़ेंगे तो आप एक टर्म जरूर पढ़ेंगे, मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का थोड़ा इससे रिलेशन है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करती चलूं। मोर्टेलिटी रेट को हम बोलते हैं डेथ रेट। यानी कि कोई भी डिजीज जब एंडेमिक, एपिडेमिक या पेंडेमिक हो जाए तो उसमें हम जो है वो जो रीड या कैलकुलेट करते हैं कि कितना डेथ रेट हो रहा है उस डिजीज की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट। और ये किस तरह मेजर होता है, ये मेजर होता है नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन सी स्केल्ड टू द साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि
नंबर ऑफ डेथ कैलकुलेट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर जिस जगह ये डिजीज एपिडेमिक है या पेंडेमिक है या एंडेमिक है, तो उस खास पॉपुलेशन में उस पॉपुलेशन के साइज और टाइम के मुताबिक डेथ रेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो वो जो डेथ रेट कैलकुलेट होगा उसको हम मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। तो ये तो था आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स एंडेमिक एपिडेमिक और पेंडेमिक। आई होप कि आपको ज़रूर इससे थोड़ा नॉलेज मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये एक कॉमन नॉलेज है जो कि सबके साथ शेयर होना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।